इतना जानती हूँ कि पति का पैर दबाने से ना मतलब पत्नी का हर पाप मिट जाता है और औरत जो होती है एकमात्र पति की सेवा करने से सीधे स्वर्ग को जाती है, ऐसा मैंने। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग बाहर आए हुए हैं, बहुत दिनों बाद बाहर आए हुए हैं और ऐसे ही बस रिलैक्स करने आए हैं। और यहाँ पे मॉल है, मॉल के सामने पार्क है, तो सोचे कि यहीं पे बैठ के आद्या को ना थोड़ा सा खिला देते हैं। ये आद्या खा रही है पानी पूरी, इनको एक सूखा वाला दिलवा दिए थे। हाय आद्या, आद्या क्या खा रहा है बच्चा? गोलगप्पा। क्या खा रही हो? गोलगप्पा। अच्छा, गोलगप्पा खा रही हो। तो बहुत ही सुहाना वेदर हो गया है, मस्त लग रहा है, मतलब ना गर्मी है ना ठंडा है, एकदम परफेक्ट वेदर है। मार रहा है ना। तो ये लोग यहाँ पे ये बैठ गए हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ और आद्या को खिला देती हूँ। कितना बाप बेटी का परफेक्ट जोड़ी लग रही है, एकदम लग रही है कि आप ही की लड़की है। क्या बात कर रहा? गोलगप्पा है भी, गोलगप्पा खा भी रही है। मुन्ना है, मुन्ना। तो मैं ना वो ले लेती, इसका खाना निकाल देती हूँ और इसको खिला देती हूँ। मेरा हर जगह यही काम रहता है। आप खाओ, घर हो चाहे बाहर हो, मेरे को बस मेरा ड्यूटी याद रहता है। क्या लाई हो? इसको फ्रूट लाई हूँ, अब उसको क्या बोलते हैं यार, गोल गोल वाला खरबूजा बोलते हैं। मस्कमेलन। मस्कमेलन है ये। तो क्या बोलते हैं आद्या उसको? मेलन। मस्कमेलन आद्या का फेवरेट है ये। तो ये ले लो, ये भी खाओ ना बेटा। हाँ। वो फिनिश करके इसको खाना, ओके? खुद से खा लेना। उसको थ्रो कर दो, उसको थ्रो कर, स्पिट कर दो, थ्रो कर दो, थूक दो, कीड़ा हो गया है, थूक दो, थूक दो, फेंक दो कीड़ा। हाँ, ये खा लो, इसको खा लो, ये अच्छा है। तो कुछ छोटा सा देती हूँ, तो बड़ा। हाँ। अरे कैसा दांत है आदू का, देखे 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 देखे। खाओ खाओ बेटा। तो मैं इसको खिला के तब थोड़ा सा अंदर जाऊंगा, ऐसे कुछ काम नहीं है हम लोग का, बस रिलैक्स करने आए हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं। और इतना वेदर अच्छा है ना, ना हाँ, ठंडा मतलब वेदर अच्छा है, ना ठंडा है ना गर्मी है, मस्त है। तो गाइस हम लोग गए थे आज मार्केट, मतलब ऐसे ही गए थे रिलैक्स करने, मार्केट क्या मार्केटिंग कुछ नहीं करना था। 15 दिन बाद निकले थे, बीच में होली आ गई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा व्यस्त थे। तो आज दिन की छुट्टी थी, संडे था, तो थोड़ा सा एक हफ्ते में ही निकल पाते हैं। तो फिर आज गए थे वैसे ही हम लोग और अच्छा लगा, बाहर से आ गए हैं घर और ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि कल सैटरडे था और ये पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर की सफाई किए हैं। मतलब मोह भी लग रहा था कि कब से अकेले कर रहे हैं और मेरा तो कल ही लग दी, लेकिन कल तो आद्या को मच्छर उच्छर काटने की वजह से मैं इसको ऊपर लेके आ गई, पर आज ना मैं थोड़ा सा लग गई थी। तो फिर भी इन्हीं ये ज़्यादा किए हैं, मेरे कंपेरेटिवली तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसलिए मैं इनके सर पे चंपी कर रही हूँ, है ना? कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्सिंग। तो चंपी 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 चंपी। बाल टूट रहा है मेरा। हैं? बाल टूट रहा है? नहीं, बाल सही हो गया है यार। इतना हेयर फॉल होता था पहले मेरा, इतना बाल निकलता था, आपका नहीं पता है। पर ट्रीटमेंट 3 महीने का लिए और उस दौरान भी गाइस मेरा इतना बाल निकलता था, अब तो लगा कि मैं टकली ही हो जाऊंगी। फिर हम ना ये सोच के नहीं कि छोड़े दवा ना, कि मतलब मेरा ठीक हो गया है, मैं ये सोच के छोड़ी दवा ना कि मैं और दवा खाऊंगी तो और टकली हो जाऊंगी, क्योंकि वो दवा खाने से और गिर रहा था। लेकिन जैसे ही छोड़ी, आप यकीन मानिए,
15-20 दिन के अंदर में मेरा बाल ना मतलब एकदम हेयर फॉल होना बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी होता होगा कि जैसे कुछ मेडिसिन का असर तब होता है जब आप उसको छोड़ दो, तब होता है। फिर आज के डेट में मेरा बाल बहुत अच्छा हो गया है, एक भी बाल नहीं गिरता है, एक भी नहीं, इनका भी नहीं गिरा। इनको भी हेयर ट्रीटमेंट करवाई थी, देखिए नहीं आ रहा है बाल। पर बाल कम हो गया है मेरा, मतलब आपका तो शुरू से ही बाल कम था। नहीं, पहले बहुत घने थे। है, हम 10 साल से ऐसा ही देख कभी तो नहीं देखते हैं बाल। मेरी मम्मी को पूछना, मतलब किसकी मम्मी को? अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी है कहाँ? क्या दिमाग लगाती हो मतलब फिर? अच्छा, मेरी सासू माँ को मेरे को लगा मेरी मम्मी कैसे जानेगी आपका बाल के बारे में। मेरी मम्मी गाइस, वैसे भी मेरी मम्मी है नहीं इस दुनिया में, मतलब 8 साल हो जाएगा उनको गए हुए। पैर भी दीजिए। बस करा दान, आप सुपीरियर कर देंगे यार। बस कर दीजिए यार, अभी टाइम है, बस बूस नहीं कीजिए, दीजिए। आदि मांगता है ना तो सर देर से धरा देने का, दीजिए। पति का पैर दबाना कहते हैं ना कि स्त्री सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करती है। आप लोग अपने पति का पैर दबाती हो? पर पति का पैर इतना जानती हूँ कि पति का पैर दबाने से ना मतलब पत्नी का हर पाप मिट जाता है, और औरत जो होती है एकमात्र पति की सेवा करने से सीधे स्वर्ग को जाती है, ऐसा मैंने पुराण में सुना है। जब मेरी मम्मी का वो हो रहा था ना, पुराण हो रहा था जब मेरी मम्मी डेथ हुई थी, चाहे और जगह भी हम सुने हैं तो पुराण में ऐसा पंडित जी सुनाते थे, तो कुछ कुछ चीजें मुझे याद है। तो मैं इनका पैर हमेशा ही दबाने का कोशिश करती हूँ जिससे कि मेरे सारे पाप दूर जाए और मैं सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करूँ। कितना मेरा अच्छा विचार है। आहा आहा, ये छोला है दिन का बचा हुआ, मैं छोला बनाई थी आज दिन में, छोला पूड़ी और चावल बनाए थे। तो ये देखिए छोला चने वाला था, बच गया है थोड़ा सा दिन का, तो थोड़ा सा ना टेस्टी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं इसी को ना चाट टाइप का बना देती हूँ और दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो देखिए मैं इसको माइक्रोवेव में गरम कर दी हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसमें डालती हूँ प्याज। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और दिन में ही इतना मुझे टेस्टी छोला लगा था कि मैं क्या बताऊं। तो फिर चाट के टाइप ही मैं बनाई थी छोला, तो फिर इसको फिर से मतलब अच्छे वाला चाट बना के टेस्टी वाला खाते हैं। तो ये है, तो गाइस ये है हल्दीराम की भुजिया। ये पैकेट बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मतलब हम लोग का यूज नहीं हो पाता है इतना, तो कभी कभी ऐसा ही कुछ बनाते हैं झाल मुड़ी या चाट तो उसमें यूज हो जाता है। वैसे मैं खाती हूँ, नादिया के पापा खाते हैं, मतलब चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ, तो चाय के साथ भी कोई यूज वूज नहीं होता है। भुजिया का खाने का मतलब मेरा ये है, तो ज़्यादा ज़्यादा निकालू हूँ क्योंकि रात का टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा हैवी हम लोग को कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये मैं डाल दी इसमें, आप लोग देखिए, और ये इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ब्लैक साल्ट, अभी लाती हूँ। उधर आद्या को भी मैं दिखाती हूँ, तो देखो गाइस इधर ब्लैक साल्ट थोड़ा थोड़ा डालती हूँ जिससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। क्या बना रही हो आद्या? पोहा। किसके लिए पोहा? पापा के लिए।
कर रही। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और मैं पोहा बना रही हूँ। आद्या का बन रहा है पोहा। ओहो, हम लोग तो धन्य हो गए। तो ड्रेस भी हम लोग का चेंज हो गया है, घर वाला ड्रेस पहन लिए हैं कंफर्टेबल। हम खिलाएंगे और ये चाट बन गया है। खाओगी आद्या? प्याज खाना है। प्याज, प्याज में तीखा, कच्चा प्याज है बेटा, बहुत टेस्टी है। कैसा है? बहुत। आज लग रहा है संडे है, घूमने गए हम। हेड मसाज, लेग मसाज और चाट। बहुत यम्मी है मम्मा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज एक लाइक कर दिया करिए, क्या जाता है आप लोगों को, मतलब भीख की तरह मांग रही हूँ। इतना तो कोई भी दे देगा एक भीख, बस एक लाइक ही तो मांग रही हूँ। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को, अगर न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल उड़न खटोला ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। बाय कर दो आद्या। बाय।